तो दोस्तों रियलमी लाने वाला एक बहुत ही शानदार स्मार्टफोन, अपना एक बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन वो लॉन्च करने वाला है। वो फ़ोन है रियलमी 8i, जो कि एक बहुत ही शानदार स्मार्टफोन होने वाला है। इस फ़ोन के क्या स्पेसिफिकेशंस और इस फ़ोन में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, ये सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निरुपम और आप देख रहे हैं टेक्निकल निरुपम यूट्यूब चैनल। रियलमी 8i में आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक हीलियो G95 प्रोसेसर, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है और यदि आप एक गेमर हैं तो आपके लिए ये फ़ोन बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस प्रोसेसर के साथ गेमिंग का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। और भी पिछले जो फ़ोन्स रियलमी का आए हैं उसके अनुसार बहुत ही शानदार यह प्रोसेसर है। इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा 6.5 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले, जो कि होगा 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील होगा यूज करने में। इस फ़ोन के रियर में आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें से कि एक कैमरा होगा 50MP का प्राइमरी कैमरा, एक कैमरा होगा 2MP का जो कि होगा इसका सेकेंडरी कैमरा और मैक्रो कैमरा भी वही होगा, और इसका तीसरा जो कैमरा होगा वो भी होगा 2MP का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होने वाला है। और इस फ़ोन के कैमरे की मदद से आप बहुत ही शानदार पिक्चर्स को क्लिक कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको इसके फ्रंट में देखने को मिलेगा, यानी कि सेल्फी में आपको देखने को मिलेगा 16MP का कैमरा, जिसमें कि सोनी का एक सेंसर लगा हुआ होगा जो कि आपको नाइट में भी बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी क्लिक करके देगा। रियलमी 8i में आपको देखने को मिलेगा एक 5000mAh की बैटरी, जो कि एक बहुत ही बड़ी बैटरी होती है, और यह फ़ोन जो है वो सपोर्ट करता है 65W की फास्ट चार्जिंग को। तो इसके बॉक्स में ही आपको देखने को मिल जाएगा एक 65W का सुपर डार्ट चार्जर, जिसकी मदद से आप इस फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे मात्र 45 मिनट में, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात होने वाली है इस फ़ोन के लिए। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही फास्ट काम करने वाला है। कंपनी यह दावा कर रही है कि ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर होगा ये दुनिया का सबसे फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है। अब देखते हैं इसके लॉन्च के बाद कि आखिर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर कितना फास्ट काम करता है। तो ये सब तो हो गए इसके फीचर्स की बात, अब बात कर लेते हैं कि इसका लॉन्च डेट क्या है और यह कितने की प्राइस के अंदर लॉन्च होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो लॉन्च डेट है वो कुछ अभी फिक्स नहीं है, कंपनी के द्वारा कुछ बताया नहीं गया है कि आखिर यह कब लॉन्च होगा इंडिया में। लेकिन इसकी प्राइसिंग की बात सामने आई है कि ये आपको 15,000 के अंदर ही मिल जाएगा, अब उससे ज़्यादा नहीं होने वाला, उससे कम में ही मिलेगा आपको, 10 से 15 हज़ार के बीच में आपको यह फ़ोन देखने को मिलेगा। अब जान लेते हैं कि यह फ़ोन हमें ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी यह फ़ोन जो है बहुत ही शानदार फ़ोन होने वाला है। जिस प्राइस सेगमेंट में ये लॉन्च होने वाला है उसके अनुसार ये बहुत ही कमाल का फ़ोन होने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छा गेमिंग फ़ोन भी होने वाला है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। यदि आप गेमिंग के लिए एक फ़ोन नया ढूंढ रहे हैं कि आपको 15,000 के अंदर मिल जाए, 20,000 के अंदर फ़ोन मिल जाए, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है गेमिंग के लिए भी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।